बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का चौथा अध्याय लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पाठ के आंतरिक प्रश्न और उनके उत्तर। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपके पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, आपके बड़े होने के अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न हैं? इन अनुभवों में वर्णित क्या ऐसी कोई बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे? और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों 45 नंबर पेज पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 45 पर देखें, आपको इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा जिसका उत्तर आप लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, जब हम छोटे थे तो हमारी देखभाल माता पिता करते थे और यह सिलसिला किशोरावस्था के बाद तक चलता रहा और युवावस्था में जाकर ख़त्म हुआ। जबकि सामोआ में छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी, साथ ही खाना बनाने का भी काम करती थी। ये सभी अनुभव हमारे जीवन में नहीं देखने को मिलते क्योंकि भारत में बच्चे लगभग 20 वर्ष के बाद ही कमाना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे मजबूरी वश इससे कम उम्र में भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं दूसरा प्रश्न है, क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में सड़क पर पार्कों और बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां तथा लड़कियां कम दिखाई देती हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका दूसरा प्रश्न और ये आपको देखने को मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के 46 नंबर पेज यानी 46 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं। और उत्तर आप लिखेंगे, हमारे पड़ोस में सड़क पर पार्कों और बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां तथा लड़कियां कम दिखाई देने के कई कारण हैं। और पहला कारण क्या है बच्चों? पहला कारण लिखेंगे, हमारे देश में बाहर के अधिकांश काम पुरुष करते हैं, महिलाएं अधिकांशतः घर के काम करती हैं। दूसरा कारण लिखेंगे, हमारे देश में कार्यालयों व्यवसायों तथा अन्य कार्यों में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए भी महिलाएं घर से बाहर कम दिखाई देती हैं। तीसरा कारण लिखेंगे, महिलाएं एवं लड़कियां अपने आप को बाहर असुरक्षित महसूस करती हैं। चौथा कारण लिखेंगे, भारतीय संस्कृति भी इस तरह की है कि महिलाओं को काफ़ी कम स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वे घर से बाहर काफ़ी देर तक ना रह सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, क्या लड़के और लड़कियाँ अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे तो क्या होगा? और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 46 पर। उत्तर लिखेंगे आप, भारत में अधिकांश लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं, इसके कई कारण हैं। और नंबर एक कारण लिखेंगे आप, भारतीय संस्कृति में लड़कियों को घरेलू कामों का जिम्मा दिया गया है जबकि लड़कों को बाहर के कामों की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा कारण लिखेंगे आप, भारत में व्यवसाय यातायात के साधनों में जैसे ड्राइवर व अन्य कर्मचारी, सेना, पुलिस जैसे अनेक कामों में लड़कों की बहुलता है जबकि शिक्षा के क्षेत्र में नर्स और कुछ कार्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तीसरा कारण लिखेंगे, भारतीय संस्कृति में कुछ कामों को लड़कियों के लिए उचित नहीं माना जाता है, इसलिए उन कामों को
लड़के ही करते हैं। यदि हम लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे तो कई तरह की दिक्कत होगी, क्योंकि कई काम लड़कियों द्वारा ही सही तरीके से किए जाते हैं, तो कई कामों को लड़के सही तरीके से करते हैं, इसलिए लड़के लड़कियां अपने अनुकूल व्यवसाय को चुनते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो कई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ पर चौथा प्रश्न है आपका, क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की माँ काम नहीं करती? और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 49 नंबर पेज पर आपकी पाठ्य पुस्तक के। उत्तर आप लिखेंगे, हरमीत और सोनाली का यह कहना सही नहीं था कि हरमीत की माँ काम नहीं करती। हरमीत की माँ घर का सारा काम करती थी, वह सिर्फ बाहर काम करके पैसा नहीं कमा पाती थी, लेकिन घरेलू सारा काम हरमीत की माँ के जिम्मे था। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं चौथे प्रश्न का। पाँचवा प्रश्न है बच्चों, क्या आप सोचते हैं अगर आपकी माँ या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के 49 नंबर पेज पर। उत्तर में आप लिखेंगे, अगर हमारी माँ या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो घर का सारा काम ठप हो जाएगा, या घर का सारा काम हमारे पिताजी को करना पड़ेगा जो करने के आदि नहीं हैं, यानी जिन्हें आदत नहीं है, और कई घरेलू काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना आदि काम हमारे पिताजी को नहीं आता। ऐसी स्थिति में मुझे खाना सही ढंग से नहीं मिलेगा या खाना बाहर होटल से मंगा कर खाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस पांचवें प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चों, छठा प्रश्न, यहाँ पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतया पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते? आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए? और ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा 49 नंबर पेज पर, आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के। उत्तर में आप लिखेंगे, हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि अधिकांश घरों में घर का काम लड़कियां या महिलाएं करती हैं, इसलिए पुरुष या लड़कों को घर का काम नहीं करना पड़ता। हमारे विचार में पुरुषों या लड़कों को भी घर का काम करना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं घर में बीमार पड़ जाती हैं या वे कहीं बाहर चली जाती हैं तो ऐसी स्थिति में घर का काम पुरुषों या लड़कों को करना चाहिए। पर्व त्यौहार तथा घर में अगर कोई मेहमान आ जाता है तब भी घर के काम में बढ़ोतरी होती है। ऐसी स्थिति में पुरुषों को महिलाओं के काम में हाथ बटाना चाहिए। कई बार महिलाएं काम करते करते थक जाती हैं, ऐसी स्थिति में भी पुरुषों को घर का काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लिखें बच्चों अपने इस छठे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर सातवां प्रश्न है बच्चों, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में स्त्रियाँ प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करती हैं? इस संबंध में स्त्रियों या पुरुषों में कितना फर्क दिखाई देता है? और ये प्रश्न आपको मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के 50 नंबर पेज यानी 50 नंबर पेज पर, आप ये प्रश्न देख सकते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, हरियाणा में स्त्रियाँ प्रति सप्ताह 53 घंटे यानी कि 53 घंटे काम करती हैं, जिसमें 23 यानी 23 घंटे वैतनिक काम और 30 घंटे अवैतनिक घरेलू काम करती हैं। वैतनिक काम का मतलब आप जानते हैं ना, वैतनिक काम होता है बच्चों जिस काम के बदले हमें पैसा दिया जाता है, यानी वेतन दिया जाता है, उसे कहते हैं वैतनिक काम। आगे पढ़ते हैं, तमिलनाडु में स्त्रियाँ प्रति सप्ताह 54 घंटे काम करती हैं, जिसमें 19 घंटे वैतनिक कार्य और 35 घंटे अवैतनिक घरेलू काम करती हैं। हरियाणा में पुरुष सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं, जिसमें 38 घंटे यानी कि 38 घंटे वैतनिक कार्य और 2 घंटे घरेलू कार्यों को करते हैं, जो कि महिलाओं से 13 घंटे कम है। तमिलनाडु में पुरुष सप्ताह में 44 घंटे काम करते हैं, जिसमें 40 घंटे वैतनिक कार्य और 4 घंटे अवैतनिक कार्य को करते हैं, जो कि महिलाओं से 10 घंटे कम है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने इस सातवें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। अभी आप क्या देख रहे थे, पाठ के आंतरिक प्रश्न, और अभी यहाँ पर जो है बात करते हैं पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न। आपने पाठ तो पूरा पढ़ लिया होगा, तो पाठ के अंत में आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए वे सत्य हैं या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए।
और यहाँ पर कह वाला है आपके लिए। सबसे पहले आप ध्यान दें, सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। अगला है यहाँ पर कह वाला, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। गै वाला है, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती। और अगला है घै, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? आप उत्तर में लिखेंगे बच्चों कह का लिखेंगे, यह कथन सही है क्योंकि जिन समुदाय या समाजों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफ़ी कम है या जो समाज रूढ़िवादी परंपरा से जकड़ा हुआ है, उन समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। खै का लिखेंगे आप, खै देखें आप, यह कथन सही नहीं है। हमारे ग्रामीण या नगरीय समाज में भी लड़के और लड़कियों के परवरिश में भेदभाव किए जाते हैं, भले ही ग्रामीण और नगरीय समाज में भेदभाव करने के अनुपात में अंतर हो। और अगला लिखेंगे गै का लिखेंगे, यह कथन सही नहीं है क्योंकि जो महिलाएं घर पर रहती हैं वे घरेलू कामों को करती हैं, जैसे खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना आदि प्रमुख हैं। और अगला है बच्चों घै वाला, तो इसमें लिखेंगे आप, यह कथन सही है क्योंकि महिलाएं जो घर में काम करती हैं उन्हें पैसों में नहीं आंका जाता और न ही इन कामों से आय की प्राप्ति होती है, इसलिए महिलाओं के काम को पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर ये था आपका पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों में से पहला प्रश्न जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें जो है कह कह गया गया जैसे दिया हुआ है, इसका उत्तर आप यहाँ से देख के अच्छे से लिखें, उसे याद करें। दूसरा प्रश्न है बच्चों, घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकान वाले होते हैं, घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं। अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक एक उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे काम का अदृश्य होना, कई काम दिखाई नहीं देता, जैसे बच्चों की देखभाल करना, जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है उस पर हमेशा निगरानी रखना पड़ता है और निगरानी रखने का कार्य दिखाई नहीं देता। इसके बाद अगला लिखेंगे शारीरिक रूप से थकाने वाले, तो यहाँ पर लिखेंगे घरेलू कार्यों जैसे घर की सफाई, कपड़े की सफाई, खाना बनाना आदि कार्यों में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह काम शरीर को थकाने वाले होते हैं। अगला लिखेंगे बच्चों समय खप जाने, और यहाँ पर लिखेंगे समय खप जाने से अभिप्राय है कि घर में छोटे छोटे इतने अधिक काम होते हैं जिन्हें करने में दिन का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। कई बार घरों में नए नए काम बढ़ जाते हैं, जैसे कि मेहमानों के आने पर कार्यों का बढ़ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपका तीसरा प्रश्न, ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौनों की भी सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती हैं। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। और उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे, खिलौनों की सूची और यहाँ पर एक टेबल बना लें अच्छी सी, और उसमें लिखें सबसे पहले ऊपर लड़कों के खिलौने, यहाँ पर लिखें लड़कियों के खिलौने, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इस प्रकार से इस टेबल में आप नंबर एक पर लिखेंगे मोटर कार, सेकंड लिखेंगे स्पाइडरमैन, तीसरा लिखेंगे यहाँ पर बंदूक, चौथा लिखेंगे वीडियो गेम, अगला लिखेंगे क्रिकेट का बैट बॉल, फिर लिखेंगे गेंद, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, और उसके बाद रेलगाड़ी और मोबाइल फ़ोन। यहाँ पर लिखेंगे आप लड़कियों वाले में गुड़िया, छोटे छोटे बर्तन और गुड़िया के ड्रेस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक टेबल बना के अच्छे से लिखें बच्चों। और इसके बाद आगे लिखेंगे आप, समाज में लड़के जब युवावस्था में पहुँचते हैं तो वे उन्हीं कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसे वे बचपन में खिलौने के रूप में खेला करते थे, जैसे सेना में भर्ती होना, पुलिस या पुलिस ऑफिसर बनना, गाड़ी चलाना आदि कार्यों को करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत लड़कियां युवावस्था में किसी भी कार्य करने के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारी अवश्य निभाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर
लिख सकते हैं बच्चों। ये है आपका तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। अगला है बच्चों चौथा प्रश्न। यहाँ पर अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में और कौन कौन हैं, वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज़ कितने घंटे तक काम करती हैं, वे कितना कमा लेती हैं। इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। तो उत्तर आप क्या लिखेंगे? उत्तर आप ठीक इस प्रकार से लिखें बच्चों, हमारे पड़ोस में एक महिला घर के कामों में मदद करने के लिए आती है। उसका नाम राजेश्वरी है। उसके 5 बच्चे हैं। उसका पति सब्जी बेचने का काम करता है। उसके 5 बच्चों में 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। उसके पति का नाम सोमेश्वर है और राजेश्वरी का घर दिल्ली के उपनगर गोकुलपुरी के नाले पर स्थित झोपड़पट्टी में है। राजेश्वरी प्रतिदिन 16 घंटे काम करती है, जिसमें 8 घंटे अपने घर का काम करती है और 8 घंटे दूसरों के घरों पर काम करती है। 8 घंटे दूसरों के घरों पर काम करने पर उसे 1800 रुपया मिलता है। उसका पति सब्जी बेचकर 3000 से 3500 तक कमा लेता है। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। आप ध्यान दें, यह है आपका चौथा प्रश्न और उसका उत्तर। चाहे तो आप इस प्रश्न के उत्तर को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।